सुशांत की मौत आत्महत्या थी या मर्डर? इस पर लगातार सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं और उनके फैंस इसे प्लान्ड मर्डर बता रहे हैं। इसी बीच पायल रोहतगी ने कल 5 ऐसे बड़े सबूत दिए थे और सवाल पूछे थे जिससे सुशांत की मौत शक के घेरे में आ गई। पायल रोहतगी ने आज फिर से कुछ और खुलासे किए। पायल रोहतगी ने कहा, सुशांत का खून हुआ था। सुशांत की मौत का एक वीडियो वायरल हुआ है व्हाट्सएप पर, जहां पर एक दुपट्टा आप देख सकते हैं और दुपट्टे से इतने गहरे मार्क्स नहीं हो सकते। जो इंसान इतना फिट था कि खुद का बॉडी वेट लिफ्ट कर सकता था, क्या वो इस पेन को रोकता जो हैंगिंग से होती है? सुशांत के शरीर पर मार्क्स है और उनकी आंख और मुंह की स्थिति वैसी नहीं होनी चाहिए थी जैसी आत्महत्या करने वाले शरीर की होती है। केसरी चावड़ा उनके मानसिक चिकित्सक को मैं जानती हूँ, क्योंकि दिवाकर बैनर्जी ने उनका नंबर मुझे दिया था। ये एक नकली डॉक्टर है जो सबको बाइपोलर डिसऑर्डर का डायग्नोस करके महंगी दवाई देता है और अपनी रोजी रोटी चलाता है। ये महेश भट्ट के साथ बैचमेट है। महेश भट्ट और रिया चक्रवर्ती की नजदीकियां बड़ी अजीब लगती है। सौरभ कपूर जिसने मुझे ट्विटर पर ब्लॉक किया है, मैं उसे कहना चाहती हूँ कि तेरा पति बिल्कुल भी हॉट नहीं है। उसके बाल उड़ गए हैं और उसकी बॉडी भी नहीं है। तुझे सुशांत हॉट नहीं लगता था, पर पूरे भारत को तेरा पति हॉट नहीं लगता। सलमान खान जी का बीइंग ह्यूमन संगठन नकली हो सकता है, क्योंकि हिट एंड रन केस के बाद ये संगठन बनाया गया लोगों को अपनी मानवता दिखाने के लिए। ये एक पीआर एक्टिविटी भी हो सकती है। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।